ये नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां लाए। आने वाले वर्ष में आप सब स्वस्थ रहें। आने वाले समय में जो नया वर्ष आया है वो गरीबों, किसानों और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली का वर्ष हो। तारीख जरूर आज बदली है, तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। मैं जहां आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो बात हम और आप लोग यहां बैठे कर रहे हैं, आज के समय पर केवल सीमित यहां तक नहीं रहती। इसलिए जहां मैं आपको बधाई दे रहा हूं, वहीं प्रदेश की जनता और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए वर्ष पर। आज जब हम और आप सब लोग उठे होंगे, जब हम और आप सब लोगों ने आंखें खोली होंगी, तो जहां नया वर्ष था वहीं एक खबर ऐसी भी आई जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। जो वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने गए थे लोग, उसमें कुछ लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हैं। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग उन परिवारों के साथ खड़े, इस दुख में उनके साथ हैं, उन परिवारों को भी और जो हमारे बीच नहीं रहे उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो दर्शन करने गए थे वहां ज्यादा संख्या में लोग आ गए, चीजें नियंत्रण में नहीं रही। सुनने में आ रहा है कि 14 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, तो घायल लोगों का इलाज भी हो, स्वस्थ हो जल्दी। और जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि देते हैं और वहीं उनके परिवार के साथ इस दुख में हम लोग खड़े हैं। 2021 कैसा गुजरा है वो आप और हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। 21 में जो परेशानियां आई या 21 से पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतना दुख, तकलीफ और परेशानी किसी सरकार में नहीं आई होगी जितनी 2021 तक लगातार हम लोगों ने सामना किया है। और 21 से लेकर के इक्कीस का साल बहुत दुख भरा रहा। 21 का साल बहुत दुख भरा रहा। हम लोगों ने लॉकडाउन से लेकर के इस बीमारी को देखा और जहां लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ, जहां व्यापार खत्म हो गया, लोगों की नौकरी छूट गई, कारोबार बंद रहे, कोई उद्योग नहीं चला, जहां सरकार को मदद करनी चाहिए थी सरकार मदद नहीं कर पाई। और हम लोगों ने वो समय भी देखा जब मजदूरों को अपने घर जाना था, उन मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो लोग चल करके आए थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, हरियाणा से, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, उन्हें पैदल पैदल जाने दिया। और जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी, मजदूरों को जरूरत थी, उस समय सरकार ने उनको अनाज छोड़ने का काम किया, कोई मदद नहीं हो पाई, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, लगभग 90 मजदूरों की जान गई, उसके बाद भी जाने गई होंगी, सरकार ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद करने आगे आया तो वही समाजवादी लोग थे जो मदद करने के लिए आगे आए। और जिस समय पैदल पैदल चल रहे थे लोग, मुझे खुशी है इसकी कि समाजवादी लोगों ने पूरी ईमानदारी से जहां मदद जैसी कर सकते थे की थी। समाजवादियों के साथ साथ तमाम एनजीओ संस्थाएं, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मदद की, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं इस समय पर, कि जिन्होंने आगे बढ़कर के, आगे आकर के उस समय गरीबों की मदद करने का काम किया। 21 में वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी जब अस्पताल में गरीब जाना चाहता था इलाज के लिए तो बिस्तर नहीं था, दवाई नहीं दे पाई सरकार, और जिस
सांस से लोगों की जान बच सकती थी, जिस ऑक्सीजन से जान बचाई जा सकती थी, वो ऑक्सीजन भी सरकार नहीं दे पाई, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई। वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं और कभी देश और दुनिया नहीं भूल सकती कि जहां पर गंगा के किनारे कितनी लाशें पड़ी दिखाई दी। सबसे पहले तस्वीरें आई थी बक्सर से, बक्सर के बाद गाजीपुर, बनारस में वो कतार जहां पर दाह संस्कार के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ा, वो तस्वीरें इलाहाबाद से भी आई, लाशें गंगा के किनारे पड़ी दिखाई दी। उन्नाव से लेकर के कन्नौज तक जहां जहां घाट थे, जहां जहां गंगा का किनारा था, जो लकड़ी अपना इंतजाम कर सकते थे वो लकड़ियों का इंतजाम कर ले गए, लेकिन जो गरीब लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाए वो अपने परिवार के लोगों को वैसे ही गंगा के किनारे दफना करके या मिट्टी से या बालू से दबा करके चले गए। अगर कोई नाकाम था उस समय तो यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। इसलिए जब साल चला गया और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि जो 22 है, इस 22 में ऐसी बीमारी नहीं आएगी, हमको आपको ऐसी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर नए साल पे लोग संकल्प लेते हैं, अंग्रेजी में रेजोल्यूशन करते हैं कि अगले वर्ष हम ये नहीं करेंगे। हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं कि कोई ना कोई नए वर्ष पे कुछ ना कुछ करता है, कोई ना कोई संकल्प लेता है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम लोग पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को और तमाम छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनको सम्मान देने का और उनको आर्थिक रूप से खुशहाल बनाने के लिए हम वो लोग हैं जो डॉक्टर रामन लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं, उस विरासत के लोग हैं जिसमें जनेश्वर मिश्र जी से लेकर के मोहन सिंह जी से लेकर के ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर के बड़ी संख्या में नेता हैं, जिनसे हम लोगों ने सीखा है, समझा है। और हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो नेताजी से संघर्ष और नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल करके कई बार यहां पर सरकार बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी है, इसलिए जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके, उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई और मजबूर किया गया हर तरीके से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें आदरणीय आजम खान साहब भी हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया। तो जहां 21 में साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई, लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी, दीवार से लेकर के फर्श से लेकर के बिस्तर से लेकर के जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहां ये पैसा निकल रहा है
ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया, तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहां और इन्होंने छापा मारा अपने, छापा मारना था समाजवादियों के यहां लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहां। और कैसे हुआ सोचो, डिजिटल इंडिया। और अब देखिए दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे, पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहां छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहां छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहां है। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहां छापा पड़ा है, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला, जिसके यहां छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला, अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा, बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहां नहीं मारा था पहले, पहले इन्होंने अपने यहां छापा मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर, हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे, बताओ सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं है? इसलिए पहला संकल्प हम लोगों का है और पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ, सिंचाई फ्री होगी।
और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। इसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो गुलदस्ते आते हैं, ये जो बड़ी संख्या में गुलदस्ते आते हैं, फूल कैसे ले पाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि कैसे संभव है, एक मिनट, अगर ये हमें कन्नौज में मिले होते तो इनको भट्टी में डाल करके इसका भी इत्र निकाल देते, लेकिन यहाँ तो है नहीं कुछ ऐसा। इसलिए अभी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए गुलदस्ते वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें असली जरूरत है गुलदस्ते से ज्यादा, जो गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जो कुछ देना चाहते हैं भेंट, आपको अपना बूथ जिता करके भेजना है, वो असली भेंट होगी। जब आप अपना बूथ अच्छी तरह जिताएंगे तब आपका भी सम्मान होगा और असली बधाई तभी होगी। इसलिए कैसे ले पाएंगे बताओ, हर एक के हाथ में कुछ न कुछ है। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नया वर्ष सबके लिए खुशी लेकर के आए, सब स्वस्थ रहे, सब आगे बढ़े और सभी लोगों का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सम्मान हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।